सवालात पूछे, उसके जवाब दे, उनका दिमाग चले। पाकिस्तानी सिस्टम में ठीक है, जिस तरह अभी शहजाद भी कह रहे थे, वी आर एक्चुअली स्कोल्डिंग द सिस्टम, जिस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम वी आर नॉट डिस्कसिंग, लाइक टीचर एंड द स्टूडेंट, इवन पेरेंट्स आल्सो वी शुड इंक्लूड देम। ये दिस इज अ ट्रायका, इसमें तीन में देयर आर द थ्री पिलर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द टीचर, एंड दिस ट्राइंगल मस्ट वर्क इन टैंडम, फिर ही जाके हम किसी मानी खेज नतीजे पे पहुंचेंगे, नंबर वन थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान में ये है जो हमें करना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रटालाइजेशन से कन्वर्ट करके, डेट इज़ द थ्योरी बेस्ड सिस्टम, हमको इसको कन्वर्ट करना है, इसको लेके जाना है ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है सिस्टम हमारा होना चाहिए, जिसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हों, एक्सपेरिमेंटल जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा हों। पाकिस्तान में ये है कि थ्योरी के तो सपोज इफ यू आर गिविंग 80% मार्क फॉर द थ्योरी, बट द थिंग इज फॉर द प्रैक्टिकल क्लासेस, फॉर द प्रैक्टिकल वर्क यू आर गिविंग जस्ट 20%, बट इफ यू कंपेयर दिस थिंग, अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट को कंपेयर करें तो उसमें इवन प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द थ्योरी। तो ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि मेरा ख्याल है वो ट्रायंगल वाली मिसाल आपकी ठीक है कि इसमें तीनों जो हैं उनको साथ लेके चलने की जरूरत है और तीनों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में एक रीमा आप कुछ कहना चाहोगी, बिकॉज देन वी विल कंक्लूड। नहीं, वही मैं कहने लगी हूं कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट कंक्लूडिंग क्योंकि टाइम सही है। मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स व्हाटएवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट वो सब रेलेवेंट हैं, उन सब की अहमियत है। स्टूडेंट्स भी लेजी हो गए हैं, पर मैं समझता हूं कि ऐसा सिस्टम अगर हो जिसके अंदर गुंजाइश ही ना हो स्टूडेंट को, ये ऑप्शन ही ना हो, जिस तरह होते हैं ये मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट्स हैं, प्रैक्टिकल्स पे इवन दिस फॉर्मेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड दिस इज क्वाइट सक्सेसफुल। प्रीवियसली ये वाला जो सिस्टम था, जिस तरह आगा खान था, आगा खान यूनिवर्सिटी, उनका ये पैटर्न था, ये हमने इम्पोर्ट किया, दिस इज गुड थिंग जो हमारे सिस्टम में आ गई है। खास तौर पे एंट्री लेवल का जो स्टूडेंट है, जिस तरह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से पहले अब उन्होंने यही एनटीएस वगैरह के जो टेस्ट रख दिए हैं कि ताकि स्टूडेंट का ना सिर्फ ग्रिप हो ऑन द इट्स हिज और हर ओन सब्जेक्ट, बल्कि उसकी ग्रिप दूसरे जो क्या चीज़ उसको कहेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि तो बिल्कुल ही वो एक ही साइड का ना स्टूडेंट है, इट शुड हैव मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आई थिंक इससे आपके जहन में काफ़ी सोचने के लिए मवाद तो मिला होगा, मगर तालीम का मकसद सिर्फ मार्क्स लेके कोई डिग्री ले लेना नहीं होता, बल्कि एक वेल राउंडेड और अच्छे इंसान को, जो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को और दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, नॉलेज रखता हो, एंड जो पढ़ उसको भी समझे, मगर जनरली एक वेल राउंडेड अच्छा इंसान, बाशऊर इंसान को बनाना तालीम का मकसद है। हमारा तालीमी निज़ाम अनफॉर्चुनेटली इज गियर टूवर्ड्स, उसको सारे के उसका फोकस बन गया है कि ये एग्जाम्स में फर्स्ट डिविजन लिया, ए ग्रेड लिया, ये किया, और वो लेने के लिए जो इम्तिहान जिस तरह बनाए जाते हैं वो भी इतने सिंपल हो गए हैं कि उनको पढ़ाना और उसको अटेम्प्ट करना और उसमें नंबर लेना, फिर गाइड बुक्स बन गई हैं, ये सारा एक रट्टे की तरफ पूरी की पूरी एजुकेशन के निज़ाम को ले जाने के बनता है सीन। तो इस चीज़ से इंसान जो है वो कोई उसकी दिमाग की नशोनुमा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आई थिंक अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि तालीम के निज़ाम जो है उसको कुछ इस तरह रीओरिएंट किया जाए कि उसके अंदर रट्टा कम से कम इम्पॉर्टेंट बन रह जाए, और ऐसे सवालात और ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर स्टूडेंट्स अगर चाहें भी तो रट्टे से पास ना हो सकें। ये जब आप करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स को भी इनकरेजमेंट होगी कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, और टीचर्स को भी फिर ऐसे हमें टीचर्स चाहिए होंगे जो कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने सही तरह से पढ़ा सकें। तो विद दोज ऑब्जर्वेशंस वी'd लाइक टू थैंक यू अनवर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। थैंक यू। एंड आप लोग भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो रट्टा मत लगाएं, अभी निज़ाम के बदलने की इंतजार मत करें, और जिस तरह शहरयार ने कहा आप सुस्त मत हों और कोशिश करें, अगर इम्तिहान में पास हो भी जाते हैं तो आपके अपने लिए फायदा है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको समझें और फिर उसके बारे में अपने अल्फाज में लें, वरना जल्दी सारा है आपको सही करने के लिए। सो विद दोज व्यूअर्स वील से गुड बाय टू यू अंटिल नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।